So now we are going to start about female reproductive system pathology in this pathology we are going to talk about few parts so firstly we'll talk about vulva I'll show you this is it firstly we are going to talk about vulva vulva is the external female genitalia then it's vagina and then this it, this part this is cervix okay and then the walls of the uterus uh, that is endometrium and myometrium take a uterus and uh, then ovary

अंदर दैट इज माइनोरा म्यूकस वाला पार्ट इज माइनोरा एंड मेजोरा इज हेयर वाला पार्ट जो स्किन जिसपे हेयर है दैट इज दिस हेयर बेयरिंग स्किन इज लेबिया मेजोरा ओके अब इसके डिजीजेस हमने पैथोलॉजी पढ़नी है तो हम डिजीजेस पढ़ेंगे तो वलवा की डिजीजेस में सबसे पहले आती है इन्फ्लमेशन हर एक में हम लोग इन्फ्लेमेशन को आ, पहले पढ़ेंगे सो so, जब भी इन्फ्लोमेशन की बात आती है तो हम लोग पीछे आइटिस लगा देते हैं आइटिस का मतलब है इन्फ्लोमेशन तो वलवाइटिस वलवाइटस के कई कॉजेज हैं तीन मेन कॉजेस हम पढ़ते हैं दैट इज इरीटेंट एलर्जन और इन्फेक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि इरिटेंट या एलर्जन में क्या आता है कभी कभी हम सोप अप्लाई करते हैं उससे एलर्जी हो जाती है या फिर वो इरिटेंट ये दोनों को हम सिमिलर यूज करते हैं कि हम इन दोनों में इरिटेंट और एलर्जन दोनों ही ये सब हो सकते हैं वो ये एज एन एलर्जन भी काम करेंगे एज एन एरीटेंट भी काम कर सकते हैं ठीक है कि सिर्फ इरीटेशन हुई या फिर एलर्जी हो गई उस चीज़ की एलर्जी थी तो सोप कोई एंटीसेप्टिक हो गई तो हमें सूट नहीं करी हमने वहाँ परफ्यूम डिओड्रेंट लगा लिया जो हमें नहीं सूट किया एलर्जी हो गई या इरीटेंट हो गया वो एल्कोहल लगा ली कुछ भी हो सकता है वो अब उन सब से क्या होगा अगर इरीटेंट के फॉर्म में होगा वो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट इरीटेंट एग्जीमैटस डर्माटाइटिस क्या हो जाएगा कॉन्टैक्ट इरीटेंट एग्जीमैटस डर्माटाइटिस एक्जिमा जो एग्जीमैटस हम बोल रहे हैं एग्जीमा क्या होता है वहाँ रेड इची रैश हो जाते हैं क्या होता है रेड एक तो इरिटेंट है वहां इची, और रेडनेस होगी वहां पे एंड रैश बन जाएगा वहां पे और धीरे धीरे अगर प्लाग भी बन सकता है तो इरिटेंट में क्या होगा कॉन्टैक्ट इरिटेंट मतलब जहां पे इरिटेंट ने कॉन्टेक्ट किया वहां तो आपको पता है क्या होगा स्किन की इन्फ्लमेशन होनी एलर्जन से भी ये सब ये जो चीजें हैं जो इरिटेंट है वही एलर्जन एलर्जिक डर्माटाइटिस एलर्जन के केस में क्या हो जाएगा एलर्जिक डर्मेटाइटिस उसमें भी डर्मेटाइटिस ही हुआ था लेकिन उसमें एग्जीमैटिस और इरिटेंट वाला डर्मेटाइटिस इसमें आपने क्या लिख देना है एलर्जन डर्मेटाइटिस कुछ नहीं है डर्मेटाइटिस ही देन इन्फेक्शन इन्फेक्शन अब काफ़ी चीज़ों से हो सकता है पहला सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हो सकते हैं दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ठीक है ट्रेपोन पैलेडम ये किसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपोनोमा पेलेम सिफरीज का ठीक है नॉन सेक्शुअल अगर हम बात करें तो वो एक ही है दैट इज हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज कैंडिडा मेनली हम लोग एसटीटी में पढ़ते हैं बाकी नॉन में आते हैं कैंडिडा अब एलर्जी की बात करें हम लोग एलर्जी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई नहीं आता तो आना चाहिए हमने बोला कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो एलर्जी के लिए होता है तो जब ये बात आती है ई की तो ये कहाँ होता है सिरम में होती है एंटीबॉडीज तो तो मतलब कि ये ब्लड की बात हो रही है है ना ये जो एलर्जन ये वाला जो काम होता है ये ब्लड के लेवल पे सिरम के लेवल पे होता है लेकिन ये जो इरिटेंट का काम होता है ये ऊपर ऊपर स्किन के ऊपर रिएक्शन होती है ये जो रिएक्शन होती है वो स्किन के ऊपर होती है और लेकिन ये जो एलर्जन वाली होती है वो सिरम मतलब ब्लड के अंदर होती है इसमें सिरम इन्वॉल्ड है इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि बार्थलन ग्लैंड के होते हैं जैसे जो जो वेजाइना की ओपनिंग है जैसे ये वेजाइना यहाँ की ओपनिंग है तो उसके साइड पर छोटे छोटे पी साइज हम बोलते हैं पी साइज ग्लैंड होते हैं उसमें उसमें क्या होता है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है उसकी डक्ट्स में ब्लॉकेज आ सकती है ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है उसकी वजह से क्या होता है अब बार्थोलिन का फंक्शन क्या था इसने क्या करना था इसने एक सिक्रीशन देनी थी जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करती है लुब्रिकेशन फंक्शन था इसका क्या फंक्शन था लुब्रिकेशन किसकी लुब्रिकेशन वेजाइना की अब बार्थोलिन ग्लैंड की सिक्रीशन से लुब्रिकेशन होती थी लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई वलवाइटिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो फिर क्या होगा कि जो बार्थोलिन है ग्लैंड्स हैं उसकी डायलिशन हो जाएगी क्योंकि जो फ्लूइड है वो जा ही नहीं पाएगा वे तक तो फिर उसके डक्ट्स की डायलिशन हो जाएगी दैट इज़ पेनफुल तो दैट इज़ पेनफुल डायलेशन ऑफ ग्लैंड ये जो ग्लैंड की डक्ट है उसमें डायलिशन होएगी वो पेनफुल होगी और हम उस चीज़ को बोल देते हैं बार्थोलिन सिस्ट तो so, एक बार फटाफट वल्वा वल्वा इज द एक्सटर्नल फीमेल जेनाटिया एरिया दैट इज डिवाइडेड इनटू टू जो कि है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा जो है वो स्किन वाला पार्ट है जिसपे हेयर होता है जिसमें एयर होते हैं और लेबिया माइनोरा इज म्यूकस वाला पार्ट अंदर के म्यूकस वाला पार्ट और वल्वाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ वल्वा जिसके थ्री रीजन हो सकते हैं इरीटेंट एलर्जन और इन्फेक्शन इरीटेंट और एलर्जन के एजेंट्स जो हैं वो सेम हो सकते हैं सोप हो गया कोई एंटीसेप्टिक हो गई डिओडरेंट हो गया किसी भी वजह से हो सकता है किसी इंसान को सूट नहीं करता अगर इरीटेंट की वजह से हो रहा है तो उस उस डर्मेटाइटिस को हम बोलते हैं इरीटेंट एक्सी डर्मेटाइटिस अगर एलर्जी कॉज कर रहा है इम्यूनोग्लोबिल ई के थ्रू रिएक्शन कॉज कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं एलर्जेंट डर्मेटाइटिस एक्सीमेटस एक्जीमा होता है रेड इची रैश और ये स्किन के लेवल पे होती है ये सिरम के लेवल पे होती है इन्फेक्शन जो है वो एस में एच पी वी एच एस वी गनोरिया ठीक है नाइसरिया गोनोरिया ट्रेपोनेमा पेलाइडम जो कि फिलेस कॉज करता है इन सब से हो सकती है अगर नॉन स्टडी में देखें तो कैनिडा इसमें ऑबस्ट्रक्शन जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो क्या आती है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है पारथुलिन पार्थुलिन ग्लैंड सिक्रीशन देते हैं वेजाइना के लिए ओपनिंग ऑफ वेजाइना के दोनों साइड्स होती हैं और ये सिक्रीशन देते हैं वेजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए और अगर जो यहाँ पे वल्वा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो बारथुलिन ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होता है वो पेनफुल डक्ट्स uh, हो जाती हैं और इवेंचुअली बारथोलिन सिस्ट बन जाता है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ल्ड नेक्स्ट जो डिजीज़ है हम लोग करते हैं ठीक है इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़ यू कैन आस्क एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक यू